हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस रेसिपी। और आज की रेसिपी है सोयाबीन पुलाव की। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन पुलाव बनाया है। देखिए कितने खिले खिले हमारे यहाँ पे चावल बन के रेडी है और पुलाव भी बहुत ही टेस्टी लग रहा है। सोयाबीन में प्रोटीन बहुत होता है जो एक हेल्दी डाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे आप लंच डिनर में बना के खा सकते हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी टिप्स दी है जिसकी वजह से आप जल्दी से इस पुलाव को बना सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं सोयाबीन पुलाव की रेसिपी को। यहाँ पे मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं, ये मैंने बासमती चावल लिए हैं यहाँ पे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 कप भर के लिया है सोयाबीन। तो सोयाबीन को हमें यहाँ पे 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से उबाल लेना है पानी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला रख दिया है जिसमें पानी बॉईल हो चुका है। तो यहाँ पे पानी उबल चुका है, अब इसके अंदर हम सोयाबीन डाल देंगे। सोयाबीन को हमें यहाँ पे सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे उबाल लेंगे। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी। नमक डालने से सोयाबीन के अंदर नमक जाएगा और वो अच्छे तरीके से पक जाएंगे। अभी स्टेज पे मैं यहाँ पे ले रही हूँ चावल। चावल को हमें अच्छे से पानी में धो लेना है 2 बार। तो मैं यहाँ पे पानी डाल के इसे अच्छे से धो लूँगी और इसका पानी अब हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है चावल को, ताकि हमारे जब भी पुलाव बनेगा तो हमारे पुलाव में चावल खिले खिले बनेंगे। यहाँ पर हमारे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर सोयाबीन उबल चुके हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे इसका पानी निकाल लूँगी। इस तरीके से छलनी के अंदर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसके ऊपर मैं ठंडा पानी डाल दूँगी और इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पर। और जैसे ही ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर का भी पानी निकाल लेंगे, सोयाबीन के अंदर का। इसके साथ मैंने यहाँ पे सामग्री ली है जो सोयाबीन पुलाव में जाएगी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं जिसे मैंने अच्छी तरीके से काट लिया है। कैप्सिकम लिया है 1/2 कटोरी। यहाँ पे मैंने 1 गाजर लिया है जिसे लंबा काट लिया है। 2 हरी मिर्च ली है मैंने जिसे अंदर से इसे चीरा लगा लिया है। 1 टमाटर लिया है, मटर लिए है। इसी के साथ मैंने धनिया पत्ती ली है और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और इसी के साथ मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मसाला लिया है। 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे नींबू का रस लिया है। और इसी के साथ नमक लिया है मैंने स्वाद अनुसार। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है लाल मिर्च पाउडर और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे घी लिया है। घी के जगह पे आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और इसी के साथ मैंने तेज़पत्ता लिया है यहाँ पे। और खड़े मसाले ले लेंगे हम यहाँ पे, जीरा, दालचीनी, 2 हरी इलायची और लवंग ली है मैंने यहाँ पे। और पानी लेंगे। यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है। कुकर के अंदर अब हम ये घी डाल देंगे। घी की जगह पे आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी का स्वाद बहुत अच्छा जाता है यहाँ पे। और इसी के अंदर खड़े मसाले डाल देंगे हम, तेज़पत्ता, और ये सारी सब्जियाँ हम इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को हमें हाथों की मदद से इस तरीके से तोड़ लेना है और इस तरीके से हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे लो रखी है। 1/2 चम्मच नमक डाल के हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे टमाटर डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसी के साथ हमें इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से चला लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च और ये सारे ड्राई मसाले डाल देंगे। शिमला मिर्च हमने थोड़ी देर के बाद डाली ताकि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। इस तरीके से हम इसे चला लेंगे 1 मिनट के लिए। अब इसी स्टेज पे ये हो चुके हैं, मसाले भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम सोयाबीन डाल देंगे। सोयाबीन का मैंने पानी निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सोयाबीन के अंदर ये सारे मसाले चले जाए। और अब लास्ट में इसके अंदर हम मटर डालेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पे नया आया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अब इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखी है। टोटल मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी डाला है। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे नींबू का रस डाल दूंगी और धनिया पत्ती डाल देंगे। और अब इसे 1 उबाल आने तक हमें इसे पका लेना है।
तो इसमें एक उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर हम भिगोए हुए चावल डाल देंगे। इसकी ये सबसे बड़ी अच्छी ट्रिक यही है कि 10 मिनट हमें पानी में इसको भिगो के रखना है। इससे क्या होगा, हमें सिर्फ एक ही कुकर की सिट्टी बजानी होगी, एक ही सिट्टी में हमारा पुलाव बनके रेडी हो जाएगा। मतलब बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में हमारा पुलाव यहाँ पे बनके रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे चावल में भी एक उबाल आने तक हमें इसे रखना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है, तो एक उबाल आ चुका है। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। यहाँ पे एक सीटी बज चुकी है और इसी के साथ मैं अब कुकर को ठंडा होने के लिए रख दूंगी 5 मिनट के लिए। अब देखते हैं कुकर में कोई हवा तो नहीं है। नहीं है तो अभी हम इसे खोल लेंगे। वाओ, देखिए कितनी अच्छी और टेस्टी हमारी यहाँ पे सोयाबीन पुलाव बनके रेडी है। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए इसका एक एक दाना कैसे खिल के उभर के आया है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेस्टी और हेल्दी भी रेसिपी यहाँ पे बनके हमारी रेडी है। तो इस तरीके सोयाबीन पुलाव की रेसिपी बनाइए, आपके फैमिली को खिलाइए और इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को डिनर लंच में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी इसे शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो यहाँ पर बनाती रहूँ। तो यहाँ पर हमारी सोयाबीन पुलाव की रेसिपी बन के रेडी है। एक एक चावल कितना हमारा खिल खिल के आया है और देखिए बहुत ही यमी टेस्टी हमारी रेसिपी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।